Hello friends, I am Smith Goyal with you once again to continue our new form of ordinary simultaneously differential equation lecture second. देखिए जो हम नई form हमने की थी उसके हम example करेंगे. तीन example मैं आपको simultaneously एक example में समझाने जा रहा हूँ क्योंकि सबकी process मैंने आपको बताया है लगभग लगभग same होती है. तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले एक मल्टीप्लायर्स का सेट चूज करना होता है जिससे कि हमारे डेनोमिनेटर में हम दो शब्द जिस तीन टर्म जो हो रहा है हम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई टर्म्स आएंगी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो डेनोमिनेटर बने वो हमारा जीरो बने. तो अब देखिए किस तरीके से चूज करना है. अब इस एग्जाम्पल को अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है हमारे पास. अब यहाँ वाई है और यहाँ एक्स है. यानी अगर हम एक मतलब कि एज ए ट्रायल बेस तो यहाँ पर अगर मैं इसको वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ ये पहले हमने रफ में कर देखना है कि इसके करने से हमारा जो आंसर है वो नीचे डेनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा. तो आप देखिए मेरे माइंड में ये बात आती है इसको देखने के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई स्क्वायर बना लेना चाहिए शायद कि जिससे कि ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी नीचे वाली जीरो हो जाएगी. देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ वाई से वाई माइनस जेड एक्स और दिस इज इक्वल टू इसको मैं कर रहा हूँ एक्स से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ जाएगा और यहाँ पर इसको मैं एच डी छोड़ रहा हूँ. तो ये सब काम आपने रफ में करके देखते हैं. तो मल्टीप्लाई क्या चूज किया है हमने वो हम यहाँ पर लिखेंगे चूज मल्टीप्लायर्स क्या चूज किया देखे काम की करेगा या नहीं करेगा. अब यहां से देखिए अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये आपका क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है और यहां से आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है. तो ये आपका यहां से आएगा और ये हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएंगे हमारे पास. अब आप खुद देखिए कि यहाँ वाई स्क्वायर है यहाँ एक्स स्क्वायर है ये माइनस एक्स वाई जेड इस प्लस एक्स वाई जेड से कैंसिल कभी होगा अगर मैं इन दोनों टर्म को क्या करता हूँ प्लस करता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है तो ये कैंसिल हो जाएगा. यानी कि अब हमें यहाँ से ये बदल गया कि इन दो टर्म को तो हमें क्या करना होगा एड करना होगा. अब देखिए हमारे पास यहाँ वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस का है और यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये भी प्लस का है इनको क्या करना पड़ेगा हमें सेम साइन के है तो उनको इनका इनको हमें माइनस करना पड़ेगा. तो मैं अगर माइनस करूंगा तो यहाँ पर ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा जो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा. इट मींस हमारी टीम काम कर रही है यहाँ पर. तो जो हमें मल्टीप्लायर चूज करने हैं वो क्या चूज करने हैं वाई एक्स और वन चूज करने हैं और वो चूज करने के बाद जो हमने किया है ये हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं. तो आप ध्यान रखेंगे हमने दो टर्म को ऐड किया था y dx प्लस x dy इन दोनों को ऐड किया था और इसको सब्ट्रैक्ट किया था यानी कि इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ऊपर भी और नीचे भी. तो ये आपका इस तरीके से यहां पर आएगा. तो इस तरीके से आने से नीचे आपका क्या मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई हेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो यहाँ पर ये सब चीजें कैंसिल हो रही थी हमारी. तो दिस इज इक्वल टू जीरो. दिस इंप्लाइज वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस डी हेड इज इक्वल टू जीरो. तो हमने चूज इस तरीके से किया कि एक वाई किया एक एक्स किया और एक वन किया है तो जिससे कि हमारा जो डेनोमिनेटर है वो क्या हो गया जीरो हो गया है. अब देखिए इस क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं डी एक्स वाई यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई फर्स्ट फंक्शन है एस दिस ये डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी वाई प्लस सेकेंड फंक्शन एस दिस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी एक्स माइनस डी जेड इज इक्वल टू जीरो. अब इंटीग्रेट करते हैं हम अगर इंटीग्रेटिंग
we get x y क्योंकि derivative से integration cancel हो जाएगा और minus यहाँ पर z is equal to c1. तो ये आपका first branch आई है हमारे इस question के solution की. अब देखिए इसी तरीके से अब दूसरा set choose करना है हमें. Choose another set of multipliers. आप देखिए क्योंकि मेरे माइंड में यहां पर भी आ गया है कि हमें एक बार एक्स वाई वाला भी करके देख लेना चाहिए, शायद उसके चूज करने से हमारा क्या हो जाए, डिनोमिनेटर जीरो हो जाए. तो देखिए करके देखते हैं, अगर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर ऊपर और नीचे, तो यू विल गेट एक्स डी एक्स और यहां पर आपका आ जाएगा अब एक्स वाई माइनस जेड एक्स. और यहां पर अगर मैं वाई से करता हूं मल्टीप्लाई, तो वाई डी वाई अपॉन यहां पर वाई एक्स प्लस वाई जेड. और इसको मैं किसी भी क्वांटिटी से नहीं कर रहा हूं. क्यों नहीं कर रहा हूं वो अभी आप खुद ही देखेंगे कि क्या फर्क पड़ेगा. डी जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब मैंने क्यों नहीं किया, मैंने तो पहले ही से प्रैक्टिस किया हुआ है क्योंकि इसलिए मुझे पता है कि मैं यहाँ पर ये करने से ही काम चलेगा. लेकिन आपको कर देखना पड़ेगा, आपकी भी प्रैक्टिस भी परफेक्ट आ जाएगी. जब आप चार पांच क्वेश्चन कर लोगे तो आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए. तो दे दिया अब यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको ओपन करता हूँ आप अपने करके दे देंगे एक्स वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर और यहाँ से आपके पास आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड और यहाँ पर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर ये एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, दोनों आपके एक्स वाई है, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पहली दो टर्म्स को. तो पहले दो फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे न्यूमिनेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या फायदा होगा यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा. अब देखिए उसके बाद क्या होगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जेड कॉमन और है और आपके पास अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है लेकिन इसके साथ जेड आया है. तो देखिए यहाँ पर गलत हो गया, यानी कि मुझे जो जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस क्वांटिटी को, तो जिससे क्या होगा ये जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा. ये आपका देखिए अब सेम क्वांटिटी बन गई, ये हो ये नेगेटिव ये प्लस पॉजिटिव ये, तो यानी को प्लस करना पड़ेगा जिससे ये कट कैंसिल होकर जीरो बन जाएगा. तो यानी कि क्या करना है हमें यहां पर एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई एंड प्लस जेड डी जेड और यू विल गेट और की डेनोमिनेटर इक्वल टू जीरो. अगर ऐसा ठीक है क्योंकि हमने आपको बता चुका हूं जो ऊपर कर रहे हैं वही नीचे कर रहे हैं, इसमें से इस टर्म को माइनस करेंगे और इसमें जो है उसको ऐड करेंगे. तो ये डेनोमिनेटर आ जाएगा, मीन्स क्या होगा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो. और इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस वाई स्क्वायर बाय टू प्लस जेड स्क्वायर बाय टू इक्वल टू सी टू. सी टू या के टू कह दीजिए. उसके बाद हमारे पास इसको यदि हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टू के टू और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू. टू के टू को मैं नाम दे देता हूँ सी टू. तो इसे कहिए इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू. सो इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू विल फॉर्म द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ऑर्डिनरी साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इस तरीके से हमें ये करना है. अब देखिए दूसरा ही आंसर दे दिया यहां पर देखिए इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे ऐसे लिख सकता हूं डी एक्स बाई एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस जेड. इसे क्या लिख सकता हूं डी वाई अपॉन में माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस जेड और इसे क्या लिख सकता हूं डी जेड अपॉन में जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो अब आप यहां पर देखिए अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, इन तीनों क्वांटिटी को ऐड करता हूं तो
तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव साइन हम ऊपर ना लेकर नीचे ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। हम देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं ऐड करता हूँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि चूज सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स एज 1 1 1। मैंने कहा था आपने शुरू में कि 1 माइनस 1 जीरो में से किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन हम यूज कर लेंगे, कहीं पर भी वो एज ए मल्टीप्लायर हमारा यूज हो सकता है डेनोमिनेटर को जीरो बनाने के लिए। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू, अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ इस क्वांटिटी को, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ थोड़ा स्पेस बचाने के लिए भी और आपका टाइम बचाने के लिए। तो यू विल गेट dx by x plus dy by y plus dz by z upon में 0। तो देखिए थोड़ी सी फॉर्म चेंज करनी पड़ी है हमें, बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल हमारा सेम चल रहा है। तो इस तरीके थोड़े थोड़े चेंजेस आप सीखने आपको सीखने के लिए मिलते रहेंगे, हर एग्जांपल के अंदर कुछ नया चीजें नई चीजें आती रहेगी कि भाई हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहां से आप देखिए डेनोमिनेटर 0 आ गया, इट मींस dx by x plus dy by y plus dz by z is equal to 0। और अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेटिंग ये देखिए आपका आ जाएगा log x 1 by y dy का इंटीग्रेशन log y और यहां से log z, और जब सब log में आ रहे हैं तो कॉन्स्टेंट भी log में ही ले लेना चाहिए, तो log c1 and this quantity will be equal to log x y z और ये log c1, taking exponential function both side we will get x y z equal to c1। So this is the first branch of solution of this ordinary simultaneously differential equation। अब देखिए दूसरा क्या करके देख सकता हूं, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये देखिए यहां पर z x square है और यहां पर z y square है, z x square है और z y square है, तो मैं मल्टीप्लाई करना चाहूंगा अपनी इक्वेशंस को, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखना चाहूंगा कि भी क्या आता है हमारे पास। देखिए तो अब यहाँ पर मैं x square से करके देखता हूँ एक मिनट, तो देखिए यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर x square से करूंगा तो ये आपके पास आएगा x square y square plus z, और यहां पर आपके पास y है तो y से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा आपका y स्क्वायर और यहां पर x स्क्वायर प्लस z। तो देखिए कुछ फर्क पड़ता है, तो यहां पर आप देखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आ रहा है, यहां पर x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का और माइनस का z y स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से z कॉमन आएगा और आपके पास अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, जो ये वाली क्वांटिटी है, यानी कि इसको मैं माइनस कर दूंगा तो वो हमारे पास डेनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये बातें छोटे छोटे ट्रिक्स है जो आपको समझनी है, तो हम मल्टीप्लायर्स का यूज करेंगे यहाँ पर, यूज मल्टीप्लायर्स x y एंड 1, x y एंड 1 का यूज किया है, जिससे क्या होगा देखिए x dx ओवर में x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z, और यहां पर आपके पास आएगा y dy माइनस y स्क्वायर ओवर में x स्क्वायर प्लस z, और यहां पर आप रखेंगे dz ओवर में z x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और फिर दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू, आपने करके देख लिया है इन दोनों को ऐड करना है और इस क्वांटिटी को हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि x dx प्लस y dy माइनस dz यू विल गेट इन डेनोमिनेटर जीरो। तो अगर ये जीरो है इट मींस x dx प्लस y dy माइनस dz इज इक्वल टू जीरो। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय 2 माइनस z आएगा, यहां पर z स्क्वायर बाय 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना है ना, फ्लो में नहीं जाते हैं, यहां 1 है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जेड इज इक्वल टू टू सी टू, और टू सी टू को मैं इक्विवेलेंट मान लेता हूं के टू के। तो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू फॉर्म्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन ऑर्डरली साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसी तरीके से देखिए थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसमें देखिए मैं मल्टीप्लाई, ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, आप पहले मैं खुद फटाफट कर दूंगा लेकिन आप इसको ट्राई अपने आप करेंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई चूज करेंगे, चूज मल्टीप्लायर्स एक्स वाई जेड, यू विल गेट ए एक्स डी एक्स और यहां पर बी माइनस सी एक्स वाई जेड इक्वल टू बी वाई डी वाई होल में सी माइनस ए एक्स वाई जेड इक्वल टू सी जेड डी जेड अपॉन में ए माइनस बी एक्स वाई जेड। इसे हमने x से मल्टीप्लाई किया है ऊपर और नीचे, इसे y से और इसे z से। तो दिस इनको अगर आप ऐड करते हैं ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड, तो आपके डेनोमिनेटर में डेफिनेटली जीरो बनेगा। आप कर देख सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि इन तीन एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए, एक फर्स्ट लेक्चर में किया था इसी टॉपिक के, दो आप ये एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका ax dx plus by dy plus cz dz is equal to 0, integrate करेंगे अगर हम, तो ax square by 2 plus by square by 2 plus cz square by 2 equal to k1 आएगा। तो यहां से आपके पास आएगा ax square plus by square plus cz square equal to 2k1। तो यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन, इसे कहेंगे आप इक्वेशन नंबर वन। अब दूसरा सेट चूज करेंगे हम मल्टीप्लाई का, चूज अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स। वो सेट जो हम चूज करेंगे वो चूज करेंगे ए एक्स बी वाई एंड सी जेड एंड कंटिन्यू सेम एज इन प्रीवियस एग्जाम्पल्स। क्योंकि आपकी वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, मैंने यहां पे आपको हिंट दे दिया है कि कौन सा आपने मल्टीप्लाई का सेट यहां पर यूज करना है, उसको कंटिन्यू आप करोगे तो आपका इस गिवन ऑर्डरली साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इक्वेशन वन और एक इक्वेशन यहां से आएगी, वो दोनों मिलकर फॉर्म करेंगे।